ये मस्जिद है, शूटिंग घर नहीं है। परमिशन है तो फिर तो शूटिंग घर बना दो इसको। आप लोग ऐसा शूटिंग नहीं कर सकते, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने कैसा आएगा आदमी? नहीं क्या? अरे ट्रस्टी का तो फिर पिक्चर का सुभाष गाई सबको दे दो ना यार, डायरेक्टर को दे दो। ऐसा लेडीज जेंट्स कोई भी आएगा ऐसा शूटिंग कर रहे हो, सही नहीं है क्या? ये भी दिन अब देखना बाकी था कि अब मस्जिदों में अल्लाह के घर में फिल्में बनाई जाएगी और अल्लाह के घर में फिल्में बनाने वालों को इजाजत दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी और हीरो हीरोइन को फिल्में बनाने के लिए मस्जिद में अब एंट्री दी जाएगी। क्या मस्जिद में अब फिल्मी सीन फिल्माए जाएंगे? क्या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आगे चलकर मिंबर और मेहराब में खड़े होकर कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस डायलॉग बोलते हुए नजर आएंगे? वैसे तो आए दिन दिल दुखाने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं जिसको देखने के बाद बहुत दिल दुखता है, दीवार पर सर मारने को दिल होता है, लेकिन कुछ वीडियोस देखकर कलेजा फटने को आता है। दिलो दिमाग शर्म हया, दिलो दिमाग में शर्म हया का एक तूफान उमड़ने लगता है। खबरों की माने तो कहा जाता है कि ये वीडियो मुंबई के किसी मस्जिद का है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक मस्जिद के ट्रस्टी या मस्जिद के जिम्मेदार सेठ साहब ने मस्जिद में फिल्मी शूटिंग की इजाजत दी। जब उस मस्जिद के खादिम या मौजिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेठ साहब ने इजाजत दी है, हम क्या कर सकते हैं, आप खामोश हो जाइए। आपको यकीन नहीं आता ना, आप एक छोटा सा वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं।